नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेई मेंस एग्ज़ाम जो अप्रैल में आयोजित हो जाए होगा उसका जो एडमिट कार्ड है वो तो जारी कर दिया गया है। आप उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा और आप जैसे डाउनलोड कीजिए करेंगे तो उसके बाद आपको सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्चर फॉर कैंडिडेट में लिखा हुआ होगा आपको क्या क्या ये एग्ज़ाम से पहले आपको कर देना है, ठीक है। या फिर एग्ज़ाम के टाइम आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इसमें पूरी बात इसने बताई है। तो आप आज मैं इस वीडियो में बस इसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। नंबर वन पे बात करें तो आपके पास सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको ध्यान से आपके पास ही रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड। वो अब बात करते हैं जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका कलरफुल होना चाहिए, ठीक है, और A4 साइज का पेपर का होना चाहिए जैसे इन्होंने बताया यहाँ पे। अब बात करते हैं तो एडमिट कार्ड का हो गया। अब जो आपका जो सेंटर आपका जो एडमिट कार्ड में दिया होगा वो सेंटर आपको एक दिन पहले जाके वहाँ से वहाँ पर आपको देख लेना है, ठीक है, इन्होंने ये दूसरे नंबर पर ये बताया है। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो जो अपलोड किया गया था एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर आपका जो एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो है वो सेम टू सेम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ या फिर आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है जैसे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, इनमें से कोई भी आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो PWS सर्टिफिकेट जिसका बना हुआ है वो तो ले जा सकते हैं और जिसका नहीं बना हुआ अभी तक तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये भी बात हो गई। अब बात करते हैं जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स, ठीक है, पेंसिल, इरेजर, कलर जो आपका होगा वो वहाँ पे नॉट अलाउड है, ठीक है, आप वहाँ पे आप नहीं ले जा सकते। जो पेपर टू होता है उनके लिए ये अलाउड हो सकता है, ठीक है, और जो पेपर वन है उनके लिए तो आपको सिर्फ हॉल में जाकर बैठना है और वहाँ पे आपको एक पेपर दिया जाएगा वाइट, जो दो पेज दिए जाएंगे, शीट आपको वहाँ से प्रोवाइड करेंगे और आपको एक पेन भी दिया जाएगा वहाँ से, आपको कोई भी ले जाना नहीं है, ठीक है, आपको न कोई पेन ले जाना है न कोई पेपर ले जाना है, आपको सीधा ही वहाँ पर जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको और आपका जो फोटो है और जो आइडेंटिटी प्रूफ है आपको ले जाना है, वहाँ पर आपकी चेकिंग की जाएगी और फिर वहाँ आपको अंदर भेज दिया जाएगा। और जो दोस्तों आपको बता दूँ कि जो आपकी चीटिंग वगैरह होगी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरा लगे हुए होंगे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है दोस्तों। एग्ज़ाम पूरा होने के बाद, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका एडमिट कार्ड और पेन पेंसिल और जो शीट थी वो आपको वापस प्रोवाइड आपको जो आपको दी थी जिन्होंने उनको वापस दे देनी है, ठीक है, इसके बाद में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको ये बात ध्यान रखनी है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।